नमस्कार, एक में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। देखते रहिए UVN08। ताज़ा खबरों के लिए UVN08 के साथ बने रहिए। सरपंच और सचिव द्वारा ग्राम बहादुरपुर जागीर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। खालसा निवासी गण खेल मैदान का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। गांव के तालाब निर्माण मनरेगा योजना में जो कार्य करते हैं वह मजदूरों के द्वारा नहीं करवाया जाता है एवं JCB से कार्य किया जाता है तथा राशि का सही उपयोग नहीं किया जाता है। इसके संबंध में ग्रामवासियों द्वारा एवं पंचगढ़ द्वारा पूर्व में जनपद पंचायत जावरा एवं अनुविभागीय अधिकारी जावरा एवं विधायक महोदय को भी ज्ञापन दिया गया एवं 15/9/2020 को रतलाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत बहादुरपुर जागीर की उचित जाँच नहीं की गई है। इस मौके पर ग्रामीण एवं पंच द्वारा आज दिनान को एक सूचना अधिकार के माध्यम से ग्राम पंचायत को दिया गया। ग्रामीण एवं पंच द्वारा मीडिया को बताया गया है सभी ग्रामीण पंच मौजूद थे। उज्जैन संभाग ब्यूरो एवं रतलाम ब्यूरो की रिपोर्ट। तो पानी यहाँ का पानी पीते हो क्या? पीते हैं आधी वक्त, पर अभी ये गंदे हो रखे से पिए। जी जी जी, तो इसका साफ सफाई के लिए आवेदन दिया क्या? हम साफ करते हैं, कर देते हैं। मेरे के पड़ोसी नाली का पानी आता है गंदे गंदे। जी जी जी, क्या सर घूमते ही है? कर दो, तुम्हारे पानी की चाइना हो तो तुम करो। खा जा जा। गांव के 60% लोग इसमें निकल जी ये जी गांव के 60% लोग इस रास्ते से निकलते हैं। जी जी, और ये शासकीय भूमि के अंदर बना हुआ है तो क्या है, निकाला हुआ है। जी जी, और इसका सर्वे नंबर है 206। जी जी, इसकी कंप्लेन हमने कई बार कर चुके हैं। जी जी जी, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई जवाब हमको नहीं मिलता है। बोले कर देंगे, हमारी पंचायत के अंदर पैसा नहीं है, अभी नहीं है। जी जी, ये नहीं है, वो नहीं है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के बहाने बना करके वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या नाम है सर? देखते रहिए UVN08। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीणों के लिए सरकार ने रोजगार की योजना बनाई, रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों से काम नहीं कराया गया, JCB मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है। आपको लेकर चलते हैं, ग्रामवासी बताएंगे कितना विकास कार्य नज़र आ रहा है। एक मुलाकात ग्राम क्षेत्र के ग्रामवासियों से कराते हैं हमारे रिपोर्टर के हम साथ। हम ग्राम बहादुरपुर जागीर के निवासी हैं और युवा वर्ग हैं जी, और हम आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से जी, शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहादुरपुर जागीर पंचायत की जी निष्पक्ष रूप से जी जी जांच हो जाए। जी जी, और 2014 से 2020 तक जी की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो खनिज विभाग से हो, चाहे प्राधिकरण संस्था से हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी आता है, वो पंचायत के अंदर आकर के ऊपर से ही लिपापोती करके वापस चले जाते हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है और पंचायत में बुला करके उसको एक आश्वासन दे करके वापिस घर भेज दिया जाता है, बोला तुम्हारा काम हो जाएगा, परंतु उसकी समस्या का कोई भी निवारण अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया गया। जी जी, मैं खुद इसका भागीदार हूँ जी, मेरा वार्ड नंबर 7 है और मुझे 2 साल हो गए इस पंचायत के अंदर आते आते मेरी चप्पलें घिस गई है, लेकिन वार्ड नंबर 7 के अंदर जी जी मेरा मकान बना हुआ है जी, और वहाँ पर अभी भी एक एक घुटने से तक लेकर के पानी भरा रहता है बारिश के अंदर, और टहनी तक अभी भी कीचड़ भरा हुआ है। जी जी, अगर आप चाहें तो उसका भी आप जी जी ले सकते हैं अपने कैमरे के द्वारा जी। आज आपने पंचायत में क्या सूचना अधिकार दिया क्या सर? आज हमने कुछ नहीं दिया है जी, हम पहले हमारे साथीगण सारे कलेक्टर महोदय के पास गए थे जी, और वहाँ पर कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देकर आए हैं, एक आवेदन दिया है, शिकायत भी की है। मैंने दिया है आज जी जी, जिसमें सभी विवरण दिया गया है, खेल मैदान के लेकर जी जी, खेल मैदान, सड़क निर्माण के लिए जो तालाब पैसा आया था, नरेगा तालाब
जी जी, और अन्य जो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं या जो अधूरे कार्य हुए उन सभी के लिए मैंने सूचना का अधिकार मांगा है। जी जी, इन्होंने मुझे एक महीने का टाइम दिया है कि एक महीने के अंदर आपको उस जो भी बात होगा उसका निराकरण दिया जाएगा। जी जी, अब देखते हैं एक महीना इनका कब होता है और कब सारी बात का निराकरण करके हमें देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी जी, और हमारे हमें हमारे हक का पता चले। अगला चुनाव आने वाला है पप्पी जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आपको? यहाँ पे सबसे पहले 4 लाख 80 हज़ार का खेल मैदान घोषित हुआ था जी। इनने यहाँ पे काम चालू करा है, 14 घंटे मशीन चली है जी। उसके बाद इनने काम बंद कर दिया और बता दिया कि काम पूरा हो गया है जी। और यहाँ पे अवैध खनन बहुत ज्यादा कर रखी है इनने जी। आप खुद ने देखा है कि क्या कर रखा है जी जी। और पंचायत में हमने बोला हमको 4 लाख 80 हज़ार का हिसाब दे दो, वो बोले कि मैदान बन चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है जी जी। और हमने आगे कार्रवाई करी, हमारी को सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। हमने विधायक जी को, एसडीएम सर को जी, और सीओ साहब को भी ज्ञापन दे दिया है जी, और परसों कलेक्टर साहब और इनको भी ज्ञापन देते आए हैं। कहाँ पे देखे आए? कलेक्टर जी रतलाम देखे आए, फिर सीओ साहब को भी देखा है रतलाम जनपद में। तो सीओ साहब ने क्या बोला? सीओ साहब ने बोला हम टीम भेजेंगे आपके पास और आपके पास कॉल भी आएगा जी। अभी तक 3 दिन हुए, 8 दिन का बोला, 8 दिन की प्रोसेस है, उसके बाद नहीं होता है फिर हमें आगे कार्रवाई करें। कौन सी तारीख में आपने सीओ साहब को आवेदन दिया? ये 15 तारीख को दिया हमने जी जी जी। इसके अलावा? इसके अलावा ये पंचायत की भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है सरपंच सचिव द्वारा जी। भ्रष्टाचार हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार उनका खुलासा हो और हमें न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में पेयजल है, गंदगी है कुएं में और वहां से गांव वाले पानी पी रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र सिंह राठौर। अच्छा अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत भाजपुर जागीर जी जी। क्या समस्या आपको? हमारे घर में कुटिया नहीं है जी जी। क्या नाम है आपका? तुलसी भाई। कच्चा घर टापरी बनाई जी 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 जी। देख लो नालिया में कीड़ा पड़ी है, उंगली नजर आ रही। तो नालिया साफ नहीं कराई गई? तो ग्राम पंचायत द्वारा नाली साफ नहीं करवाई जी जी। क्या नाम है आपका? खा जाते हैं इसलिए और रोड भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जी। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। तो यहाँ पे क्या समस्या आपको? जितना पैसे आया था उसका आधा लगाया जी जी जी, आधा इनके जेब में गया जी जी, जल्दी खराब हो गया जी जी। और इनको बोलते हैं तो कि पैसा इतना आया नहीं आया नहीं, ऐसे बोल के डाल देते हैं जी जी। यही कर लीजिए सर, पूरे गाँव में जैसा शिशी रोड बना जी, हर जगह यही समस्या है जी जी। आधा पैसे लगाते ना आधा खा जाते हैं जी जी जी। और बोलते हैं तो कि इतना ही पैसा आया, और मेंबर को मैं स्वयं मेंबर हूँ वार्ड नंबर 13 से जी, वो नहीं बताते हैं कि इस गाँव के इतने पैसे आए कितने आए, पूछते नहीं, इनके मर्जी से काम कर लेते हैं जी, ऐसा है। और क्या सुन, 14 पंच को एक को भी नहीं पूछते क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये पूछते इनको बताते भी नहीं जी जी। बस मनमानी का काम करते हैं, समस्या लेके जाओ चल रही है, मनमानी का काम करते हैं, जो सर 5 लाख का काम है उसको लाख भर में निपटा देते हैं और बाकी का बंटवारा कर। मनोहर दास बेरा की नाम है मेरा, और मंदिर का पुजारी हो, जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, रास्ता आप देखिए इतना खराब है, पंचायत में जाके बोलते हैं कि हम क्या करें जी जी जी, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है जी, कहाँ से बने हम कि बनने के लिए कोई ये नहीं है न वो नहीं है ना, भाईनेबाजी करते रहते हैं, दर्शन करने के लिए परेशानी आती है जी जी जी। तो बोलते हैं तो बोलते नहीं हम पैसा नहीं है नहीं है, हमने बनाएंगे तुमसे वो कर लो ना, जाओ शिकायत कर दो आगे। ऐसा कौन बोलते है? सरपंच मंत्री वगैरह बोलते हैं जी, जाओ तो आपका क्या काम बाहर निकलो। अच्छा सब तो सरपंच आपकी जी जी जी, बहुत तकलीफ आती है मंत्री नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता हमारी जी जी जी। तो गांव वाले हमको बोलते हैं तुम तो ना कुड़ी सुधरा रहे हो, कुड़ी के लिए हमने वोट दिया था, कोई ये करा था तो हम कैसे करवाए, मतलब मेरे कुत्ते भी चले गए। क्या नाम है आपका? मांगूदास नाम है जी जी। क्या समस्या आपको? समस्या मकान की, मेरे मकान के चारों तरफ से गिर रहा और मेरे को जो है कुत्ते सरपंच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौर है जी। कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत बहादुरपुर जागीर, और ये ग्राम पंचायत बहादुरपुर खालसा में लगता है जी जी। क्या समस्या है यहाँ पे सर? ये समस्या ये है कि ये ना विधायक निधि में पास हुआ रोड है जी जी जी, इसमें 14,90,000 के समथिंग आए थे, जिसमें से लगभग 1,120 डंपर ऐसे कुछ लगाए इन्होंने जी जी। हाँ, और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि काम इसका लगभग कंप्लीट हो गया। अच्छा काम कंप्लीट हो गया, इन्होंने
मैंने सिर्फ एक थोड़ा बहुत डाल दिया बस हो गया काम। कितनी राशि आई थी? इसकी राशि आई थी 14,90,000। जी जी जी, तो इस पे खाली मोरम डाला हुआ है? सिर्फ मोरम डाला लगभग 100 डंपर 2 लाख के समथिंग। जी जी, पूरे किलोमीटर का टुकड़ा ही है। जी जी, किलोमीटर का लगभग समथिंग ये रोड ज़्यादा नहीं, पास में गाँव है, 1 किलोमीटर ही है। कितना किलोमीटर का था ये?